आप सभी को मेरा राम राम जी। बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली, या फिर यूं कहिए फलाहार की थाली। सबसे पहले गणेश जी को नमन। फटाफट बनाते हैं राम चटनी। राम चटनी के लिए सेब को पीसेस में कट करेंगे। हरी मिर्च आप स्वाद के हिसाब से डालें। अब जाएगा हरा धनिया। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे। अदरक कटा हुआ, एक नींबू का रस। चटनी को हम ग्राइंड करेंगे। चटनी हमारी तैयार है। सेकंड स्टेप है हमारा व्रत वाली आलू की राम सब्जी। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहे तो काओ घी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा जीरा, अदरक, एक टमाटर के हमने पीसेस कर लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें काट ली हैं। इनको अब हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। इधर हमने एक बड़ा सा आलू छील कर ले लिया है, इसको हम मैश करेंगे अच्छे से और फिर इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही। इससे कलर और टेस्ट दोनों अच्छे आएंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालना, आपको पतली खानी है, गाढ़ी खानी है। इसमें हमने एक आलू बारीक कटा हुआ डाल दिया, एक चम्मच हमने धनिया की डाल दी। अब हम इसको गैस पर लो फ्लेम पर गर्म करेंगे। इधर हमारे टमाटर को देखते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमारा सेंधा व्रत वाला ही होना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये घर की पिसी मिर्ची होनी चाहिए। अब हम डाल देते हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च। आप चाहे तो सिर्फ काली मिर्च ही डाल सकती हैं व्रत की सब्जी में। लाल मिर्ची डालने तो आप घर पे पीसी हुई मिर्च का ही यूज़ करें, वरना ना करें। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू का घोलिया जो हमने गर्म किया था। अब इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे। राम सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई है। फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे चावलों से बनी राम खीर। उसके लिए हमें चाहिए 1 करछी चावल व्रत वाले यानी कि सामक, और 1 करछी हमने चीनी ली है। जितनी हमारी चावल थे उतनी ही हमने चीनी लिया है, बराबर बराबर। सामक को हम अच्छे से धो देंगे। एक पैन में हम दूध को नाप कर डालेंगे। ये हमने मेजरमेंट के हिसाब से 11 गुना दूध ले लिया है। अब इसको हम उबलने देंगे अच्छे से। दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे व्रत वाले चावल। लो फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। 1 करछी में शुद्ध घी डालेंगे और किशमिश को भूनेंगे। आप चाहें तो कोई भी स्वाद अनुसार ड्राई फ्रूट तल कर डाल सकती हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी और चीनी डालकर 1-2 मिनट और पकाएंगे। राम खीर हमारी तैयार हो गई है। फोर्थ स्टेप में बनाएंगे अरबी से बनी कुट्टू के आटे की राम परोंठी। अरबी छील लेंगे, अरबी को मैश करेंगे। अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे क्रश करके। अब इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि परोंठी हमारी क्रिस्पी बने। आप चाहें तो इसमें पीनट्स ऑयल भी डाल सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे आटा, कुट्टू का आटा थोड़ा थोड़ा डालकर इसको गूंथेंगे। हमने इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल ही रखनी है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम।
आटा हमारा तैयार हो गया है। पैन को हम गरम करेंगे। अब हम परौंठी बेल लेंगे और बनाएंगे। परौंठी बनाते हुए हम प्रभु को याद करेंगे। ले आइया दरबार तो बछड़ा ले आइया, ले आइया दरबार तो बछड़ा ले आइया। माँ ने भरी मेरी चोली खाली, माँ ने भरी मेरी चोली खाली, माँ बोली मैनू कर माँ वाली। एक फुल्लां दे हार, एक फुल्लां दे हार ले आइया, माँ दरबार तो बछड़ा ले आइया। भगतां नूं पुछ के पुजारियां नूं पुछ के, भगतां नूं पुछ के पुजारियां नूं पुछ के, फिर भी मैया नूं गल कह आइया, ले आइया दरबार तो बछड़ा ले आइया। अज भरे भंडार की बछड़ा ले आइया, पुत्रां वरगे मिठड़े मेवे, पुत्रां वरगे मिठड़े मेवे। मैं वारी मैं सदके जावां, मैं वारी मैं सदके जावां, ओ सच्ची सरकार के बछड़ा ले आइया दरबार के बछड़ा ले आइया। जय माता दी। फाइनल स्टेप जो राम स्वीट रायता, जो हमारी व्रत की थाली को हेल्दी बनाएगा। फेटा हुआ दही ले लिया है, हाफ बनाना पका हुआ हमने पीसेस कर लिए हैं। अब जाएगी दही में थोड़ी सी फेंटी हुई मलाई और थोड़ी सी चीनी। केले के पीसीस को हम दही में डाल देंगे और ऊपर से हम डालेंगे शहद, जो कि सोने पे सुहागा हो गया है। नवरात्रि स्पेशल थाली तैयार है। जय माता दी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।